स्टार इंडिया ने कभी भी इस तरीके के जोखिम भरे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं किए, और यही कारण रहा कि जो पैसा शुरू से रहा लाइबिलिटी वगैरह डिस्चार्ज करने के बाद और जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया वो सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट किया, यानी कि अगर जो है लोन भी देना पड़ा तो अमाउंट के अगेंस्ट में ही 60%, 50%, 75% का लोन दिया, उसे पैसा अपने पास से जो है ये तो मेन कारण ये है ज्यादा शुरू से जो है इस पैसे का वृद्धियों में। दूसरा मेन कारण ये है जो हमें और आपको सबको जुड़े रखता है वो ये कि किसी भी वित्तीय संस्थान उसे समझने के लिए उसकी मजबूती जानने के लिए आवश्यक होता है उसकी बैलेंस शीट को समझा जाए, उसके पास कितना पैसा है, कितनी देनदारी है, कितना उसके पास चल अचल संपत्तियाँ हैं, ये बैलेंस शीट को क्लियर हो। इधर अगर दो तीन साल के दौर में देखा जाए तो लगातार अखबारों के माध्यम से तमाम पेपर के माध्यम से हम लोगों को जो है ये सब चीज़ें अवगत कर रहे हैं कि वर्तमान समय में 62,000 करोड़ का हमारी देनदारी बनती है और 1,72,000 करोड़ की कंपनी के पास में चल अचल परसेंट है, तो ये अपने आप में पर्याप्त किसी चीज को समझने के। कोई धंधा फेल होता है, कोई बिजनेस फेल होता है तो उसके पीछे सीधा लॉजिक होता है कि अगर जो है उसका मुनाफा NPA बैंकों में कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसी चल अचल संपत्ति जिसकी वर्तमान समय में कोई वैल्यू नहीं, जैसे किसी बैंक ने कर्जा लिया आज उस कर्जे की रिकवरी नहीं तो NPA में डाल दी। आप बैंकों की अगर बैलेंस शीट उठाओ तो उन्हें 17%, 20%, 25% तक ऐसे ऐसे पैसे मिलते हैं जिन्हें जो है तमाम तरीके के जो है आज की तारीख में पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। पैसा जरूर उनकी बैलेंस शीट में शो होता है लेकिन वो पैसा उनके यूज करने लगा, वो ऐसा पैसा हो गया जो कहीं डूब गया। सारा इंडिया परिवार का अगर NPA आप देखने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट में जो है कहीं शो होता है 17%, 20%, 25%, इसको मतलब ये होगा कि सन 1978 कंपनी का हायर मैनेजमेंट हमेशा इस बात को चिंतित रहा कि जो भी पब्लिक का पैसा उसे कहीं ऐसी जगह न लगाया जाए जिससे पैसा डूबने की स्थिति बने, पैसे पैसा बढ़ता नहीं है, तमाम खर्चे का भी पैसा निकालना पड़ेगा, पार्टी को भी जो है उसमें इंटरेस्ट लगा के देना पड़ेगा, पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए। और उस दौर में अगर देखें तो आप शेयर मार्केटिंग का बड़ा अच्छा जो है एक बीच में जो है बड़ा अच्छी प्रोग्रेस थी। तो